साल 2012 में यूपी में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके थे। इस समय अतीक अहमद जेल में बंद था, लेकिन चुनाव में उसकी खासा दिलचस्पी थी, जिसके चलते अतीक जेल से ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा था, इसलिए उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए आवेदन भी दे दिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अतीक के बेल की सुनवाई का किस्सा सुन आप तो क्या कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा, आखिर एक माफिया के आगे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 10 जजों ने खुद को दरकिनार कर लिया था। आइए जानते हैं अतीक अहमद के 10 जजों वाला किस्सा। एक समय था जब यूपी के पूर्वांचल में अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी घनघनाती और अतीक जेल से बाहर आ जाता था। लखनऊ से दिल्ली तक उसकी पकड़ मजबूत थी, जिसके चलते अतीक की मनमानी चलती थी। बता दें कि उस समय अतीक अहमद का दबदबा ऐसा था कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। वजह बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम न्यायपालिका को सीधे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब उचित नहीं होगा, लेकिन जो मैंने अनुभव किया, मैं एक थाने का प्रभारी वहाँ पर था, उस समय न्यायपालिका ने एक आदेश जारी किया कि कुर्की का कोई सामान था कि अतीक अहमद के घर पर थाना प्रभारी ये सामान पहुँचाने वाले, तो ये इस तरह का माननीय न्यायपालिका ने किन परिस्थितियों में आदेश किया मैं नहीं कह सकता। इंस्पेक्टर स्वयं ले आके वो सामान उनके घर पर पहुँचाएँ, तो देखिए आदमी ही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आदमी ही राजनेता होते हैं, आदमी ही न्यायाधीश होते हैं, और जो मानवोचित कमियां हैं वो सबके में होती हैं, उन्हीं कमियों का लाभ उठा करके ये लोगों को भ्रष्ट बनाते हैं और लोगों को अपने प्रभाव में लेते हैं और बाकी अपना उल्लू सीधा करते हैं। माफिया का तो यही काम है, और माफिया, मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह देना चाहता हूँ कि माफिया कभी भी बिना सत्ता शीर्ष के संरक्षण के नहीं बन सकता। माफिया का एसोसिएशन सत्ता से भी होता है, माफिया का एसोसिएशन नौकरशाहों से भी होता है, माफिया का एसोसिएशन न्यायपालिका से भी होता है। ये जबकि मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, जो मैंने अनुभव किया है। इस कारण वो अपना संरक्षित रहते हैं, उनके हितों का पोषण कुछ लोग करते रहते हैं, और जो भ्रष्ट लोग हैं इन जगहों पर बैठे हुए, माफिया उनके हितों का पोषण करते हैं, तो ये कोऑपरेशन है, कोऑपरेटिव कार्य है, और इसी से समाज में तरह चलते रहते हैं। अगर इनको इनिशियल लेवल पर ही कानून की परिधि में रह के सख्ती कर दी जाए, तो निश्चित रूप से आज ये स्थिति नहीं होती कि मुख्यमंत्री जी स्वयं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चाह रहे हैं कि अपराधी मुक्त हो जाए, अपराध मुक्त हो जाए हमारा प्रदेश, और एक बदमाश को पकड़ने के लिए हमारे बड़े बड़े एडीजी लेवल के ऑफिसर्स का समय खराब हो रहा है, जो इलाहाबाद में कैंप कर रहे हैं अतीक के आदमियों को पकड़ने के लिए। इनके लिए एक सब इंस्पेक्टर ही काफ़ी है, अगर उसको राजनीतिक दबावों से या जो बाहर के दबाव हैं या प्रेशर है उससे मुक्त रखा जाए, वो स्वयं भी उसको भी कुछ दायित्व बोध हो अपने दायित्वों का, तो अतीक मुख्तार ये सब पैदा ही ना हो, ये बने ही ना समाज में, माने इन्हीं कारणों से बनते हैं। दरअसल अतीक के बेल वाले आवेदन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, ताकि कोई अनहोनी उनके साथ ना हो। हालांकि 10 जजों ने अतीक के जमानत याचिका की सुनवाई के लिए खुद को अलग किया था, लेकिन 11वें जज ने हामी भरी और जल्द ही अतीक अहमद को बेल दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टॉक।